लॉकडाउन के चलते जहां लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, वहीं कोरोना योद्धाओं की जनसेवा का कार्य जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा प्रतिदिन मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से गांव दर गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इस बारे जानकारी देते हुए रादौर सरकारी हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अब तक 31 गांव में 3515 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इन जांच शिविरों में अन्य बीमारियों की जांच के अलावा कोरोना के लक्षण संबंधी मरीजों की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीम को अगर मामला संदिग्ध लगता है तो टीम द्वारा उस केस को रादौर सरकारी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि अभी तक टीम द्वारा उनके पास ऐसे 350 लोग भेजे गए हैं, जिनमें से 36 लोगों की विभाग द्वारा जांच करवाई गई है। अच्छी बात यह है कि अभी तक इन सभी 36 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जो स्क्रीनिंग है ये हर तरह से चल रही है कि जो ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सारी के सिम्टम्स जो पाए जा रहे हैं उन्हें देखा जा रहा है। जो लोग और आ रहे हैं जैसे ब्लड प्रेशर के हैं या कुछ है, उनको भी जाँच की जा रही है। और जिन लोगों में कोई संभावना पाई जा रही है, जिस तरह के कोई लक्षण है उसमें, वो उनको नोट डाउन कर रहे हैं और उनको ये वापस यहाँ मेरे पास भेज रहे हैं। और जब मैं यहाँ से देख के उनको ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ठीक है कि इतने लोग हैं, जैसे अभी तक उन्होंने मेरे पास यहाँ पे 350 लोग भेजे हैं जिनको देखा गया, उसमें से हमने 36 के सैंपल करवाए ये मद्देनजर रखते हुए कि इनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं। और एक खुशी की बात है कि 36 के 36 सैंपल अभी तक कोरोना से नेगेटिव पाए गए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि लॉकडाउन में मिली छूट में लोग बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। जिस प्रकार से वे पहले नियमों का पालन व कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही जारी रखें, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी टला नहीं है। वहीं उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वे इस्तेमाल किए गए मास्क को बाहर खुले में न फेंके, इससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस्तेमाल किए गए मास्क को सही तरीके से डिस्पोजल किया जाना चाहिए या उसे किसी पॉलिथीन में बंद कर सरकारी हॉस्पिटल में भी जमा करा सकते हैं, ताकि इस वायरस को आगे फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, RT भारत।